ਕਰਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ
कबीर जेते पाप किए रात में तले दुराए पंडित कहे निदान साहब जब पूछे तो डराए बाबा कबीर जी जवाब दे दिया कहने मेनू मौत तो डर इस करके नहीं लगता क्योंकि धर्मराज ने यही पूछना है चंगे किने कीते ने ते माड़े किने कीते ने माड़े जिन्ने भी कीते ने मैं गिण के दस सकदा हां मेनू इस करके मौत तो डर नहीं लगता मेरे समेत असीं जिन्ने भी आ सानू डर तां लगदा क्योंकि साडे पापां दी गिनती वध ते उन्हां दी मसला बस यही अज जो भी कोई मौत शब्द को अपनी जबान को बोलता है असि अपने जबान को जो मौत शब्द को बोलते हैं तो साढ़े घर इस तरह होंगे साड़ी माँ साड़ा पिता साढ़े घर बैठा हुआ बुजुर्ग दादा ते दादी शब्द कहते कहते अपनी शब्द जबान को मौत शब्द ना बोलो पर जब तुम गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी पढ़ोगे थां पर थां बाबा जी सानू मौत की याद करवाते हैं महाराज कहते जब मौत चेते रहेगी तो रब चेते रहेगा जब मौत भुल गई तो तेनों बंदे रब भी भुल जाए जे रब भुल गया तो फिर तेरे विच ते पशु विच कोई फर्क नहीं तेनों इस गल का माण होना चाहिए मैनू मनुखा जामा दे के परमात्मा ने इस संसार के अंदर भेजा है मैं संसार के लोगों नू कुछ कर खावां और जिस कारक ने परमात्मा इस संसार में भेजा है वो कारक करके जावा जेड़ा सौदा खरीदन वास्ते परमात्मा ने इस संसार में भेजा है वो सौदा खरीद के लेके जावा परमात्मा बड़ा खुश होएगा आज भी जदों घरों के पिता जी चंद तो पैसे साड़ी तली ते रख के कहते ने जा पुत फलानी चीज लेके आ जे पुत ले आए तो पिता बड़ा खुश होंदा है पर जे वो पैसे बर्बाद कर रहे तो पिता नाराज बहुत होंदा है जे तो राशन और केवल उस दिन भी नहीं आने वाले फ्यूचर वास्ते भी सोचता है ना आज जो कुछ पास्ट में बीत गया जो कुछ आज प्रेजेंट में है आने वाले फ्यूचर में मेरा पुत्र की करेगा क्योंकि इन पैसे की कीमत का नहीं पता है ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं जिस चीज को खरीदने वास्ते भेजे से खरीद 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 के नहीं रहा परमात्मा ने 40 साल की 50 साल की 90 साल की 100 साल की उम्र दे के भेजा है महाराज कहते वर्ण करो वर्ण जाओ वखर लियो संभाल तैसी वस्त्र सारी है जैसी नवे है डाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो वखरदार ते सौदा सौदा सच दा सौदा इकट्ठा करके लेके जाओ ते महाराज जे सच दा सौदा इकट्ठा करके लेके जाइए ते की होएगा कहंदे सब देखे पतियाए पतियाए नाल तुले खुश होना ते शादा तुले रब रब दे सौदा ले के बहुत खुश होए ओ सौदा नाम मैं इकट्ठा करना चाहना ते माफ करियो जवान छोटी गल वड्डी कहन लगे ना तुहाडे विच इकट्ठा करना चाहना जेड़ा इकट्ठा करे ओदे के सिर झुकदा है जेड़ा नहीं इकट्ठा करे अज तुम आदत पाओ सच दा सौदा इकट्ठा करो पीछे एक छोटा जा बोर्ड ने नाम पाणी का अभ्यास असि जिन्ने भी गुरुद्वारियां विच जाने आ बहुत इस तरह दे बोर्ड लगे हुंदे ने जिथे लिखा हुंदा है किरत करो वंड के शको नाम जपो माफ करो किरत भी करदे हां वंड के शकर दी गल हुंदी है ते गुरुवाणी दा प्रभु भुखा समझे सानू की मतलब है साडी जिंदगी चाहिए सानू कोई मतलब साडी गड्डी वड्डी होवे साडी कोठी वड्डी होवे साडा बैंक बैलेंस वड्डा होवे ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੰਦਰੇ ਹੋਏ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਤੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਧੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਸੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੰਦਰ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ
जो सियाणा बंदा ये कहना कि मैं बहुत बड़ी गलती की है, सास बुढ़े की भावियों ने गलती की हो, नौजवान बैठा यही कहेगा नहीं बापू जी तुम कोई गलती नहीं। हूँ सियाणा बुजुर्ग दुध वर्गा था चिट्टी दस्तार बन के अगे बैठा है, चिट्टे कपड़े पाए तो गल कहता कहता रिश्तेदारों साख संबंधी हो समाज के लोगों मेरे धिया पुत्र मेरे पुत पुत्र हो, मैं बहुत संसार में वड्डी गलती की थी। उन्हें आख्या कैसी गलती की थी है तो तुसी भी सुनो कि तुसी ते मैं ये गलती ना करिए, ये गलती तो बच जाइए। उन्हें दिलवा ने लिखा कहता पता मैनू की गलती हुई है तू ही सुन अनजाना, मैं वो दियाँ गठड़ियाँ बन बैठा जरा नाल मैं सौ भी जोड़े लख भी जोड़िया जोड़ता कई करोड़ लै दुनी मैं दुनिया कई थान जुड़ गया पर अंदरों नाते तोड़ लै भजता भजता भुल बैठा मैं उन्हें जो देना कोई उखाड़ा मैं ओदियां गठड़ियां बन बैठा जेड़ा नाल नहीं जाना मैं सारी जिंदगी वो कुछ इकट्ठा किया है जेड़ा नाल जाने वाला नहीं है जेड़ा नाल जाने वाला है ओदे वल मैं ध्यान नहीं दिया। बंदा संसार च कर जो कुछ साडे नाल नहीं जाएगा और इस गल का इलम ज्ञान कला मैनू नहीं है तो आगे जो वाली वाली सब पूछा जाए कि संसार में कितने रहना है कितने जाना है तो सारे ही कहेंगे कि असली एक दिन संसार को जाना है पर सास संगत जी जिन्हें जाना है उन्होंने एक पूछ के बेचू देखो तू कितना चौपड़ा मार के स्मरण करता है कितनी तो बाणी पढ़ता है जा तो जा उस वही है चौपाई अनंत सोदर सोला पढ़ के सोना है तो बंदा कहेगा नहीं ये काम तो ग्रंथियां पाठियां ते रागियां दा एक काम साडा नहीं है जब धर्म सी रागियां ग्रंथियां दे हाथां विच फड़ा दो कि तो तन्नू खड़ावां ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ
सब कुछ खत्म हो जाता है, पैश कैश हो जाता है, फिर नाम ही रह जाता, फिर बंदा डेड बॉडी कह के पुकारता है, महाराज असी आदमी हाँ, हम आदमी हाँ। तो महाराज कहते एक दमी एक साह करके बंदा है, साह खत्म हो जाए तो बंदा नहीं रह जाएगा। की है कहते तू मिट्टी बन जाएगा। ताई बाबे कबीर ने आखिया सी ना करया करो शरीर का मार, कोई पता नहीं है थारी में पई एक गुरकी मोच पाओ ते जिथन का मौका नहीं मिलेगा। श्वासन जिंदगी खत्म मुंह में पाई गुरकी। कई बार संसार पर तुसी दुनिया का किसी बंदे ने एक सास अंदर जी गुरकी मूंह पाई चिथन का सुभाग भी समा प्राप्त नहीं होया, संसार तो चलिया गया। संसार में किन्ने बंदे सन जिन्हों ने पानी का गिलास हाथ में पड़िया, उन्हें अद्धा गिलास पीता, पूरा गिलास पानी का पीना नसीब नहीं होया, इस संसार को चले गए। ना हंकार करो इन श्वासों का, ना हंकार करो इस शरीर का। सास संगत जी ये आदमी का कल इस संसार को जरूर खत्म होता है। दुनिया के हर बंदे को पता है गाथा बड़ी प्यारी सच के झूठ की गल भाई साहब करके गए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का समा है, भाई मरदाने जी को नाल लिया तो महाराज सच्चे पातशाह की उदासियां से गए। सात संगत जी एक सज्जन मिलया जिहदा नाम सी हमदा गौस, उहदा नगर सी सियालकोट। सियालकोट नगर के बाद महाराज चौंकड़ा मार के बह के लोग आए तो लोग गुरु साहब के दर्शन कर रहे हैं, भेटा रख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। महाराज के कोल बैठे एक सज्जन आया, उन्हें आके क्या कहता महाराज इस सियालकोट के विच एक हमदा गौस नाम का फकीर रहिंदा है। महाराज कहते की करता है? कहते घोड़े विच बैठ के तप करता है, बंदगी करता है। महाराज कहते कम तो नहीं माड़ा, कोई गल नहीं, चंगी गल है, कर लै, किसी का कोई बिगाड़ता बिगाड़ता तो नहीं है ना। अज जे कोई चौंकड़ा मार के बैठा हो तो साढ़े बंदे पता की कहते हैं, कहते वेलड़ बाबा इन होर कोई काम नहीं आता, तो थोड़ा की बिगड़ता है, कर लैन कोई पूछा है। असं बहुत तरह के सवाल रखने, हर तरह का तर्क साड़ी सुरत में टिकया है। महाराज कहते किसी का कोई बिगाड़ता तो नहीं है भाई, चलो बैठा है तो तप करे। पर महाराज तप कर कहे नहीं है, कहे नहीं रहा यह भी तो पूछ लो। महाराज कहते कहे नहीं करे है, कहने लगे वह कहना है मैं सियालकोट के सारे लोगों को खत्म कर देना है, इस करके बोल च बैठ के तप कर। महाराज कहते गल तो बहुत महाराज कहते मैं मिलना चाहना। पिंड के लोगों ने आख्या कि ना जाओ शायद वो तो ही मनसा मंगन लग पे रब को रल दे के अरदासा करे कि बाबा नाल भी दुनिया को चलिया जाए। महाराज कहते जे मैनू करने वास्ते आए मैं उन्होंने को आया हाँ, शायद वो मैं करना कितने तो मैं जाकर गुरुआ का प्रचार कर सकता। महाराज कहते कोई गल नहीं, मैं जरूर उतों तक पहुँच करा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते हमदा गौस नवाज मार के कही, कह लगे हमदा गौस बाहर आ तेन मैं मिलने वास्ते आया, तुम कौन? करतारपुर की धरती तो आए, दुनिया के लोग नानक पीर कह के पुकारते। जो शब्द सुने तो सात संगत हमदा गौस बाहर आया, आके गुरु नानक साहब के चरणों से ढह पिया। सतगुरु महाराज कहते की कर रहे हैं? महाराज तप कर रहे हैं, कहते नहीं कर रहे हैं, इन नगर के लोगों को मार देना चाहता है। महाराज कहते किसी को मारना सियाणप नहीं होती, किसी को जिंदगी जीने जिंदगी देना देना सियाणप होती। महाराज रब इन्ना कुछ दिता है, इन्हों की जबान तो कदे नहीं सुनया कि रब तेरा धन्यवाद है। सुनियो ध्यान दे नाल की कहता है हमदा गौस, माड़ा बंदा नहीं, सियाण वर्तरे पर गलत वर्ती गई थोड़ी जी। सात संगत गुरु नानक साहब महाराज ने दिशा को सही किया। कहना महाराज मैं अज तक नहीं वेख्या सियालकोट के लोग रब का शुकराना करते हो, नहीं ये रब का दिता खाते भी नहीं, रब का दिता पीते भी ने, रब के दिते घर रेंदे भी ने, पाए दिते हुए कपड़े पाते भी ने, पर कदे रब का धन्यवाद नहीं करते। मैं लोगों के मौत मर जाने संसार को दुनिया को चले जा, मैं इसलिए भगती कर रहे हैं तप कर रहे हैं। महाराज कहते मारना सियाणप नहीं, जिंदगी जीना सियाणप है। महाराज कहते टीका मिल लै हर बंदे के घर जाके तुम रब की लियाई पा दस। उन्हें गुरु नानक साहब की गल समझी, सात संगत जी उन्हें यह काम करना शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब की गल उनके खाने एक ध्यान सुनो, बाबा नानक जी के शब्दों के अंदर सात संगत जी इन्ना रस सी ना, जिथे जिथे मेरा बाबा नानक गया है उन्हें सज्जन ठाकुर सज्जन बनाया है, क्योंकि राक्षस विचों सात संगत जी राक्षस होना कढ़ के उन्होंने सज्जन बना के आए थे। महाराज जो हमजा गौस वर्गे के कोल जाते हैं तो उन्हें बहुत सियाणा पुरख बना के जिथे बाबा साडा जाता है उस उतों के लोगों के नाल जो गोष्ठ करता है, जिहड़ा भी गुरु नानक साहब जी के नाल गोष्ठ करता है चर्चा करता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज अपने शब्दों के तीरों के नाल ऐसा हिरदा वेखते हैं
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਸਤ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਾਥ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਕਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਪਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਦਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਗੋੜਾਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਲਕਾ ਭੇੜੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਮਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕਹਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਈ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੋੜ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਮਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੁਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਿਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਇਹ 100% ਵਿੱਚੋਂ 5% ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ 95% ਗੱਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣਗੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁੱਤ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਪੁਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਲਿਆ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਚਾਹਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
तू विरला ही ते जड़ा विश्वास कर ना ना ये जे संसार जेड़ी थां मिलदी है सी उत्ते सिर सुट के कहने आ कि सानू जो कुछ दित्ता है कौन दित्ता है पोता पोता मिलदा है ना किसी नूं तां दित्ता रब ने हुंदा है कि साडे बंदे बाबियां दे गोडे नहीं छड़दे कहिंदे सानू इहने दित्ता तो कोई भला बाबा होए बचाना जाके कि ग्रंथी को अरदास कराओ उत्थों मिलना नहीं मेरे कोल कख नहीं हैगा मैं तां थोड़े जो कुछ लैणा गुरु ग्रंथ साहिब कोलों लैणा पर जे कोई होवे साध संगत जी अपना काम चलाउण वाला कोई कहेगा कोई गल नहीं गुरु वल बाद विच कर लांगे पहला अपना ते काम करी पूरे संसार विच मिलना नहीं बहुत तो गुरु दे शब्दां ते विश्वास करो जे बाबे ने आख्या है ना कि साचे साहिबा ज्ञान नहीं घर ता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे इहदा मतलब है कि घर विच बहुत कुछ है गुरु दे शब्दां ते विश्वास करोगे तो आने वाला समा बहुत चंगा बतीत होएगा जे गुरु दे शब्दां ते विश्वास नहीं करोगे तो आज भी कल भी साध संगत जी जिंदगी ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ
ਭਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੁੱਲੇ ਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਜੋਗਾ ਕੀ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਅੱਜ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਓਏ ਆਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਨਾ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਕਸਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੋ
बेईमानी करके 500 दा रुमाला चढ़ा के गल नहीं बनेगी। शब्द मेरे कौड़े होते ने पड़े नहीं गल बनेगी। बाबा सब कुछ जानता है। ये ना कहो गुरुद्वारे चोरी नहीं करनी, गुरुद्वारे ठगी नहीं मारनी चाहिए, गुरुद्वारे गाला नहीं कढ़निया चाहिए, गुरुद्वारे नंगे सिर नहीं रहना चाहिए। नहीं, गुरु का पैर पैर हर थां ते रखोगे तां जिंदगी सोहनी बनेगी। हर थां ते जिथे भी चलो ये समझो कि गुरु मेरे संग सदा है, नाले गुरु साडे हमेशा नाल रहिंदा है। जे ये समझ के जिंदगी बतीत करोगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। बड़ा कमाल है जी, इन्हें झूठ बोलिया। अजय गल कर रहे थे भाई मुले के पैर लड़िया सप से सात संगत की भजा के वेड़े के महाराज मेरी घरवाली झूठ बोलती है, मैं घर में ही हाँ। महाराज सच्चे पातशाह कहते तू उ मुला है ना जेड़ा कहता सी मरना सच है जोड़ा झूठ है। कहना महाराज हाँ मैं उही मुला। जे तेन जीवन की एड्डी वीडी सच्चाई का पता है तो टीका का तो मारना है। कहना महाराज गल मैं नहीं पता, दुनिया के हर बंद पता, पर जो मौत आती है तो बड़िया बड़िया की निकल जाती है। गुरु बाबा जी कृपा कर सानू इस गल की समझ आए। सतसंग जी असीं भी चंगे गुण चंगी शमूलियत अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे सतसंग जी, ताकि साडा जीवन सोहना बिंदी हो सके। एक वक्त आएगा जिदन सतसंग जी सिपा के कबीर मौत को डरेंगे नहीं, मौत को आवाजा मारेंगे सतसंग जी। हुण साडे बहुत सियाने वीर ने जिन्हों ने इस गल की समझ आ रही है सोझी पै रही है सतसंग जी बाकी पढ़न वाले पासे भी, और जो इन्होंने गलों से बहुत अमल कर रहे हैं। जिहड़ा बंदा दुनिया से आया है उन्हें एक दिन दुनिया को चले जाना है सतसंग जी। एदा ना हो बचपन से जवानी खांद्या पीद्या लंघ जाए तो बजुर्गी में धर्म कमाने वाले पासे तुर पीए तो महाराज कहते बजुर्गी धर्म कमाना थोड़ा जहा धोखा है। 12 वर्ष बालक न बीते, 20 वर्ष कष्ट तप न कियो, 30 वर्ष कष्ट देव न पूजा, फिर पुष्पाना व्रत कयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सारे सुख भुजंग बलियो रहाओ, सुखे सरवर काल पधारे लुणै खेत हाथ वार करें, आयो चोर तुरंत लै गए मेरी रात मुगत करें, चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी ये असार में है, जेबा भजन शुद्ध नहीं दिसै, तबरे धर्म की आस करें। हुण जबान तो बोलिया नहीं जाता है, हुण हत्थां नाल सेवा हुंदी नहीं है, हुण पैरां नाल चल के गुरुद्वारे आया नहीं जाता है। हुण तू धर्म कमाउणा चाहुंदा है पर हुण धर्म कमाउणा ते औखा हो गया। बड़े बढ़िया बजुर्ग मातावां ते साडे वीर ने जिहड़े कहिंदे ने असीं कथा सुणनी ते चाहुंदे आ पर साडे हुण सुणदी नहीं, असी सेवा करना तो चाहते हैं पर हम हथा सेवा होंगी नहीं। यह मतलब है जदों तक ना हो तक पहुंचो ना, पहला पीले सेवा कर लो सतसंग, पहला पीले स्मरण कर लो। नैनो वीर बह तन जीना पे इस गुरबानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचर है, अब क्या करे गुरबानी। तो वक्त आएगा गले चो आवाज नहीं निकलेगी, वाहेगुरु कहना औखा हो जाना है। जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई जब मैं मेरा गाया। ते बड़ी कमाल की गल है गुरबाने की, कोई कहता जो जिंदगी बतीत हो जाती है ना बंदी बंदे को कुछ समझ आती है तो मैं जिंदगी क्यों नहीं करता। कहता जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई जब मैं फिर मेरा गाया। कहते गाड़ी निकल चुकी सी जब घर से चला मुसाफर, हाथ मंगते मंगते वापस बेदरंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, जब सियाणियां गल्लां आउण लगियां, जब अंदर सियाणप फुटन लगी। कहते मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, बूढ़े जिस्म के गुरदे गुरदे में जंग आया। ऐ काफिल तेरी जीवन तेरी जिंदगी ने हथियार फेंक डाले, जब धर्म राज लेकी फौज करने जंग आया। जब धर्म राज फौज लेके जंग करने वास्ते आएगा उदू तेरे कोई हथियार तेरे नाल लड़न नहीं होएगा। इस करके अपनी जवानी दे विच जवानी नूं संभाल, उस वाहेगुरु का स्मरण कर, उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना। सतसंग सतगुरु महाराज कृपा कर, एक सुपना है तो एक दिन सुपना जरूर टुटता है। सतसंग जी जीवन भी सुपना ही है, एक दिन में जरूर खत्म हो जाता है। गुरु साहब की कृपा कर, कुछ विछड़ी हुई रूह में सदा ही चरणा में निवास कोशिश कर, समूह परिवार की शीश के उत्ते मेरा मेरा भरिया हाथ रखना, अंग संग होकर की सहायता कर। सतसंग जी दासरे को दुखते हैं, बेअंत प्रकार दिन फुल हो गई हम फुलों झूले च पायो, चंगे शब्द गुरु के समझ के साथ संगत जी हृदय में वसायो, अरदास करियो आने वाले समय के अंदर आप समूह संतान की वाचर करके सेवा कर सके। साथ संगत जी सत्कारियों गुरु माता जगीर कौर जी जिन्होंने बहुत प्यार है, साथ संगत जी समराई नगर के अंदर लगभग 18 साल तो
दासरे के पिता जी करमजीत सिंह जी सेवा पा रहे हैं सात संगत जी बहुत प्यार वाली संगत है सतगुरु जी की बड़ी कृपा है सात संगत जी 18 साल तो सी उन्होंने बड़ी छोटी जी उम्र सी साड़ी जदों दे सी समाए नगर विच रह रहे हैं सात संगत जी 18 साल तो साडे फादर साहब पिता जी उत्ते सेवा पा रहे हैं बड़े प्यार वाली संगत है सात संगत बहुत नौजवान वीर बड़िया संगत प्यार देंदियां ने जिन जेड़े माता जी गुजर गए ने अक्सर लोग गुरुद्वारे आना सात संगत जी उन्होंने जरूर सुख शांत पुछ के जाना सानू मिल के जाना सात संगत जी इस गल की सानू दुख भी है कि सात संगत साढ़े घर का एक नंबर गया है पर समय है सात संगत जी जरूर एक दिन आता है संसार में चलिया जाता है हूँ इस स्थान पर ग्रंथी सिंह सात संगत जी आप सामू थोड़े समय लिए गुरमत विचार रखेंगे भाई साहब जी के बड़ा प्यार स्नेह है सात संगत फादर साहब के भाई साहब की कठी एक स्कूल विद्या प्राप्त करते रहे और इन्होंने भी संधियां कीतियां ने दासरे के नाल पहुंचे भाई गुरप्रीत सिंह जी बड़े प्यार वाले काफ़ी लंबे समय तो इतिहासक स्थान गुरुद्वारा छेवीं पातशाही पीली पीत करके सात संगत जी गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का चरण छो प्राप्त स्थान है उत्थे सेवा निभा रहे हैं सात संगत जी दास एक साल होया है बड़ा प्यार करते हैं सात संगत जी जिते भी जाइए समागम की अक्सर कठी समागम करिए आप संतान का बहुत प्यार है अरदास करो सात संगत जी माया की कोई गल नहीं जिते भी जाइए है सात संगत पर तुहाडा प्यार चाहिए है तुहाडी अरदासां चाहिए हैं गुरु साहब की कृपा कर कि सात संगत इन्हां कीड़ियां नूं जिवें महाराज ने बाणी विच ने आखिया हम रुलते फिरते कोई बात ना पुछता गुरु साहब गुरु साहब कीड़े हम थापे कि सानू भी सात संगत जी गुरु की संगत चरणा ने सबना का धन्यवाद गुरु आशीष प्यार आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। महाराज वीर कौर जी जिन्हां भी अंतम अरदास में शामिल होने वास्ते आप सारिया संतान उन्होंने सभा के कुल अर्थन करने वास्ते इकट्ठे हुए हो सारे संगति बारी सतगुरु जी नूं सिर झुकाओ फतेह नाल सांझ पाई ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दस तो पहला मेरे अति सत्कार जो छोटे वीर जी यानी गुरप्रीत सिंह जी जो आपने कीर्तन निर्मल हीरा आलम गुणी मिलिया के महावाक्यां अनुसार उसनों कच्ची बाणी मनिया जाता है माफ करना गुरु दरबार कीर्तन जरा जी निर्मोल निरोल गुरबाणी का केवल शब्द का ही होना चाहिए सो मैं उन्होंने धन्यवादी बहुत ही गुरु प्यार भेज के वो आप जी कीर्तन सरवण करा रहे सन उन्होंने मेरे छोटे वीर ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जिन्हां ने सतगुरु की अपार कृपा का सदका बड़ी मेहनत की क्योंकि कृपा गुरु ने करनी मेहनत करना साड़ा फर्ज जे असी मेहनत करांगे तो गुरु कृपा करा हूँ जे असी सोचिए मैं की सवेरे उठना है मेरी नहीं थोड़ी सारे की अपनी सारे की गल मैं थोड़े नाल असी की उठना है की गुरुद्वारे जाना है तो फिर साढ़े गुरु साहब ने साढ़े उत्ते कृपा नहीं करनी असी सोचिए असी उठिए वे शाम करिए नेम करिए गुरु घर जाइए तो गुरु साहब साढ़े उत्ते खुश होंगे वो दस रहे समाप्त जी कि उन्होंने पिता जी भाई सुखविंदर सिंह जी जो कि आप जी ने सुनाया गुरुद्वारा साहब की बहुत लंबे अरसे तो सेवा निभा रहे थे दस से वो कट्ठे पढ़ते रहे पर मैं उस गल नहीं मानता मैं इस गल मानता कि साडा सिखी का नाता जो है सब तो बड़ा है ज्ञानी गुरु सिंह जी बहुत गुरबाणी के विच भेज के आप जी ने सतगुरु जी के चरणों नाल गुरबाणी के आदि जोड़ रहे क्योंकि रास्ता के भावें जो छोटी गल उम्र से नहीं होती उम्र का किसी का कोई तकाजा नहीं गल है गुरु ने बख्शिश की पानी अन्न आया बंदा दुनी में वक्त असूनी बन मलकन मौत दया सी सब दरवाजे भन तिना प्यारिया पाइया अगर दिता बन वेखो बंदा चलिया चौ जनिया के कन खरीदा अमन ने किते दुनी में दर है आए कम जिड़ी गल ज्ञानी गुरु सिंह कह रहे सी साढ़े जेड़े इतने किते
परमात्मा की दरगाह लैके जाना और साढ़े को धर्मराज के नाम वालों वास्ते भी तैयार है। भगत जी दूसरे श्लोक कहते हैं, जित तिहारे तन बड़ी सारे लह लिखाए, मन के कभी सुनिरा मोह दिखावे पाए, जिंद निमाणी कभी हड्डा पोकर पाए, साधे लिखे ना चलनी जिंदू कुछ समझ आए। ते भगत हरी जी कहने के भाई इस गल याद रख कि जेड़ा समा तेरा परमात्मा ने निश्चित किया वो एक दिन आना जरूर, क्योंकि संसार के उत्ते परमात्मा का एक अकाल नियम रहा है। जब भी स्थिति होने साथी कुछ नियम परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं जेड़े उन्हें अपने हाथ में रखे, तो उन नियमों के विचों आज तक उन्हें एक तेल माता की बात का काटा नहीं किया, वो एक तो कुछ मुख जे मैं तुहाडे सामने कहने सब तो पहला संसार के उत्ते आना ते जाना ये परमात्मा ने साडा निश्चित किया बिल्कुल निर्धार समझे अनुसार। जिहड़ा संसार के उत्ते आया भावें गरीब है भावें राजा है भावें कोई अमीर भावें शतकारी वास है, सतगुरु जी माने तत् कहिंदे हन रावण होते एक शत सदा पद खिन मैं रहेगा, सतगुरु जी रावण पद सदा पद का भाव के बड़े बड़े छत्रपति राजे रावण नाल रावण बड़ा महान गया बड़ा विद्वान गुरु अर्जन देव महाराज जी चौबले की बाणी के अंदर रावण के पिता जी की बड़ी बड़ी सिफत कर रही समन जो सदाम की दम को होती साहब रावण जन्म मिलया है ना इस नुकसान में जवाई ना इस पौड़ी के जो ना चुका सो आए जाए दुख पाए, जेकर इस पौड़ी तो इस समय तो तेरा पैर पर गया फिर तू पहले ना चुना गुरु का पाल अपनी किरत कमाई तो दसवा दिता सिख वर्गा बादशाह कोई नहीं ना सिख वर्गा कोई कबीर है कि फिर वह अवस्था बनेगी जी सतगुरु गुरबाणी कहते रे रे डर गए कहे ना गुरु आओ गए आदर शुभ दे जो यह अवस्था में प्राप्त होता है ना सतगुरु कहते उस दरगाह कोई जाए कि नहीं आज मार सकता फिर उसका सारे सत्कार प्रवान करवा दी आओ सारी संगति वाली ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸਾਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਜਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ संत सचन है सबसे पुवे पुवे संत पुनीत कहते पवे।
ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਟੈ ਸਤਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਬਿਤਾਏ ਸੁਖਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਪਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ
नानक नाम चढ़ दीता तेरे भाणे सबद दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा Thank you.
पैसे आने तो